ये मम्मी है? हाँ। और पापा कौन सी है? डैड। ये पापा है। और शिवाय कौन है? डैड। मछली जल की रानी है। नानी नहीं रानी है। नानी है। नानी नहीं रानी। नानी। नानी नहीं रानी। नानी, नानी है नाना। शिवाय, और उसके बाद फिर इसको खोल के इसमें हवा भर के पानी डाल के शिवाय को इस पूल में डाल देंगे और देखेंगे ये कैसे मजे करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप बॉक्स पे देख सकते हो कुछ हमारा पूल इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे ऊपर स्टार टाइप का मशरूम टाइप का एक कवर होने वाला है और यहाँ पे नीचे होने वाला है पूल जिसके अंदर नीचे मिलता है हमारे को कुशनी बेड मिलता है। तो इसको निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर। ध्यान रखिएगा कि इसको जब निकालें तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज ना करें, सिंपल नेल से इसकी ये टेप हट जाएगी। और जब हमने इस बॉक्स को खोला दोस्तों तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये पूल पैक्ड है और इस पूल को हमने निकाला बाहर और इसके अंदर एक और चीज़ मिलती है जो कि मिलता है रिपेयर पैच। कि बाय चांस बच्चा अगर आपका उपद्रवादी है और लेके घूमता है वो कंपास चक्कू या फिर कैंची हाथ के अंदर तो वो बेचारा इसको फाड़ सकता है। तो उसके लिए आप अपने उपद्रवी बच्चे के लिए जो आपने पूल खरीदा है उससे आप उसको बचा सकते हैं। तो इसको मैं डाल देता हूँ बॉक्स के अंदर और इसको रख देता हूँ साइड में। और ये रहा दोस्तों पूल, देखो कितना कॉम्पैक्ट एकदम ये पैक्ड होता है। अब इसको हम खोल लेते हैं तो आपके सामने देख सकते हो ये किस टाइप से खुलता है। इसके अंदर एक हमारे को यूजर मैनुअल मिलता है दोस्तों। ये अभी बताएंगे बेटा क्या है ये। तो दोस्तों इस पूल के साथ मिलता है हमारे को यूजर मैनुअल भी जो कि आप पढ़ सकते हो इसको फुलाने से पहले। और इसमें कुछ और भी चीजें मिलती हैं। ये छोटी छोटी मछलियां मिलती हैं दोस्तों बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। छोटी फिश मिलती है, देखा ना मच्छी है ना। तो ये फिश अच्छी मिलती है। तो तीन फिश मिलती है हमारे को इसमें। अब हम पूल को थोड़ा और खोलते हैं। तो ये है तो बड़ा दोस्तों, ये इसका स्टार वाला प्रोजेक्शन है यानी कि स्टार जो इसके ऊपर बनेगा ये वो है और नीचे ये होने वाला है हमारा पूल। तो बिना किसी देरी के दोस्तों ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें भरना शुरू कर देते हैं हवा। और हवा भर के फिर ये एक शेप लेगा ना, फिर आपको भी समझ में आएगा कि ये किस टाइप का पूल होने वाला है। अभी हम इसकी नोजल फाइंड कर रहे हैं कि इसकी हम नोजल कहाँ पे है जहाँ से हम हवा भर सकें इसके अंदर। हम हवा भरते हैं। और दोस्तों ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक पंप। तो अब हम जा रहे हैं इससे इन्फ्लेट करने। पुच्ची भी बहुत एक्साइटेड है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम सबसे पहले नोजल के अंदर भरते हैं हवा। हवा। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. तो अब हम जा रहे हैं इसके टॉप में हवा भरने, जो कि देख सकते हो आप यहाँ पे इसका नोजल है इस साइड में। और अब मैं जा रहा हूँ इसमें हवा भरने। तो दोस्त
सो अब हमने कर ली है हवा, इसमें इन्फ्लेट ये तीन सेक्शन में हवा भरी है, ये नीचे कुशन लेवल में, एक ये पूल और इसके पिलर्स में, और तीसरा ये जो स्टार और ये मशरूम टाइप का है ना, इसके अंदर आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका ऊपर रूफ बनी है इस पूल की। और इसके साथ दोस्तों हमारे को मिलती है ऐसी छोटी छोटी इन्फ्लेटेबल फेस जो कि वेलक्रो लगा हुआ है इनके एक साइड पे, और वो हम स्विमिंग पूल से अटैच कर सकते हैं। मैं हटा के भी दिखा सकता हूँ, ये रहा वेलक्रो और इस पे भी वेलक्रो लगा हुआ है, और हम इसको यूं चुपाएंगे और ये हो जाएगी स्टिक। ऐसे ही करके हमारे को तीन फिशेस मिलती हैं। ऐसे ही दोस्तों इसके साथ जो तीनों फिश मिलती हैं वो हमने हर एक पिलर पे लगा दी है। ये एक मैंने पास में बुला के इस वाले पिलर पे भी फिश लगा दी है, तो वो हमारे हर पिलर पे फिश है, और जो बच्चा इस पे खेलेगा वो इसमें इसको मार मार के नीचे भी गिरा लेगा और अब इन वाली फिश के साथ तैर भी लेगा इस वाले पूल के अंदर। तो अब दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर भर लेते हैं पानी और शिवाय मजे कह रहा मजे करेंगे। अब बच्चों के लिए तो है ही है दोस्तों, तो अब हम शिवाय को इसमें भेजेंगे पानी डाल के और देखेंगे फिर शिवाय कैसे एंजॉय करता है। सो स्टे ट्यून्ड। ये मम्मी है और पापा कौन सी है? डेड। ये पापा है। और शिवाय कौन है? डेड। शिवाय ब्लू है? हाँ। क्यों? शिवाय ब्लू है। मछली जल की नानी नहीं रानी है। दोस्तों आपने देखा ना कि शिवाय कितनी अच्छी तरीके से इस पूल में एंजॉय कर रहा है। एंड एक सबसे अच्छी चीज जो मेरे को इस पूल की लगी वो लगा दोस्तों ये वाला रूफ इसका, जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा सनलाइट से अगर आप इसको गार्डन या फिर रूफटॉप पे लगाते हो। तो दोस्तों ये थी आज की अनबॉक्सिंग हमारे इस वाले पूल की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप ये वाला पूल परचेस करना चाहते हो तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में डेविल डील्स का, वहां पे जाइए एट अ बेस्ट प्राइस आप इसको परचेस कीजिए। And see you in next video, dosto, with great amazing products. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. मछली जल की नानी है मछली जल की नानी है। ये मछली पकड़ के खाऊंगा मैं तो आज। दे दे मुझे ये भी दे दे। मैंने तीनों मछली पकड़ ली। मैंने